और अब बात एक आदर्श गांव की, मेहनत और लगन से अगर काम किया जाए तो असंभव काम भी संभव बन सकता है। सूखे में भी हरियाली लाई जा सकती है। ऐसी ही कहानी है महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त अहमदनगर जिले के आदर्श हिवरे बाजार गांव की। इस गांव ने आत्मानुशासन और जन सहभागिता द्वारा राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को यशस्वी तरीके से लागू करके अनेक समस्याओं का समाधान खोजा और मेहनत कर गाँव को एक समृद्ध और आदर्श गाँव बनाया। कभी पिछड़े गाँवों की श्रेणी में शुमार किए जाने वाले आदर्श हिवरे बाजार गाँव का कैसे हुआ कायापलट और कैसे बना ये गांव आदर्श गांव, आइए जानते हैं ओपी यादव के इस खास रिपोर्ट में। ये है महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त अहमदनगर जिले का आदर्श हिवरे बाजार गांव। शुरुआत में अन्य गांवों की तरह हिवरे बाजार भी पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार, पलायन जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा था। अब इस गाँव को देश के सबसे समृद्ध गाँवों की श्रेणी में शुमार किया जाने लगा है। ये सब संभव हुआ है यहाँ के लोगों की सक्रियता की वजह से, जिन्होंने सरकारी योजनाओं के जरिए प्राकृतिक संसाधनों, वनों, जल और मिट्टी को पुनर्जीवित किया है। यहाँ जो आदर्श बना, इसका एक ही कारण है कि यहाँ लोगों ने कम्युनिटी में साथ आके वाटर शेड का प्रयास किया, वाटर मैनेजमेंट का प्रयास किया, उसके साथ साथ जो है तो वो क्रॉप मैनेजमेंट भी हुआ। अब इसी कारण ये गाँव में अभी कोई पानी की समस्या नहीं, कोई माइग्रेशन नहीं है। गांव के कायापलट की शुरुआत तब हुई जब गांव के स्नातक उत्तीर्ण सरपंच पोपट राव पवार ने ग्राम पंचायत की कमान अपने हाथों में ली। गांव में सभी निर्णय ग्राम सभा लेती है और गांव का हर नागरिक इसे आत्म अनुशासन से लागू करता है। पहले इस गांव में पलायन की समस्या थी, आज एक भी परिवार रोजगार के लिए पलायन नहीं कर रहा, न ही कोई परिवार गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहा है। गांव का माहौल बदला सा है। अच्छी तरह से व्यवस्थित नालियां और शौचालय होने से गांव में स्वच्छता का माहौल है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि विकास कार्यों का सोशल ऑडिट यहां किया जाता है, साथ ही पानी के सही इस्तेमाल के लिए भी ऑडिट किया जाता है और ग्राम सभा ये तय करती है कि किस तरीके से कम पानी में ज्यादा फसल की पैदावार हो। जो भी शासकीय योजनाएं है वह आदर्श तरीके से यहाँ की जाती है। गाँव वालों का सहकार्य, गाँव वालों, स्कूल की जो कमेटियाँ है, सभी शाला व्यवस्थापन समिति, पालक शिक्षक संघ, माता पालक शिक्षक संघ, उसके साथ साथ जो बच्चों के पालक है उनके साथ चर्चा करके गाँव वालों की मदद से अच्छी तरह से यहाँ की जाती है। यहाँ के जिला परिषद के स्कूलों में पहली कक्षा से ही अंग्रेजी और ई लर्निंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। विकास के नए आयाम गढ़ती इस गाँव ने न सिर्फ आदर्श छवि बनाई है बल्कि अब महाराष्ट्र से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के हाथों इस गांव को सम्मानित होने का भी अवसर हासिल हुआ है। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाके अहमदनगर की हिवरे बाजार पंचायत ने जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण कार्य करते हुए न केवल गुड गवर्नेंस का काम किया है बल्कि स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन देने के साथ साथ जल संरक्षण की भी महत्वपूर्ण पहल की है। इसी काम को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गाँव को पिछले साल झारखंड में सम्मानित भी किया था। प्रधानमंत्री की इसी विजन को साकार करते हुए अब इस गांव में न केवल किसानों और मजदूरों के लिए बेहतरीन कार्य कर जरूरतें पूरी की जा रही है बल्कि जमीनी स्तर पर विकास के नए नए आयाम गढ़ इस पंचायत को बेहतरीन पंचायत और आदर्श पंचायत के रूप में स्थापित करने का काम भी किया जा रहा है। मेरे सहयोगी योगेश के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज़।